हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कुक विद कोमल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही बहुत ही टेस्टी ये पापड़ की रेसिपी, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया। फ्रेंड्स, पापड़ हम ऐसे भी सेक के खाते हैं। एक बार इस तरीके से आप पापड़ की सब्ज़ी बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये 3-4 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये पापड़ लिया, पापड़ दिखाती हूँ। ये देखिए बीकानेरी पापड़ है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास और दूसरा पापड़ है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन हम इसी पापड़ का बनाना बताएंगे। इसको ऐसे भी आप रोस्ट करके भी खा सकते हो, लेकिन आज हम आपको सब्जी बनाना बताएंगे। तो ये देखिए 4 पापड़ हमने निकाल लिए, कुछ इस तरीके ये पापड़ हैं, बहुत ही पतले हैं। और इसको हमें सीधा गैस पे इसको सेक लेना है। आप पैन पे रख के भी सेक सकते हो, लेकिन मैं सीधा इसको गैस पे सेक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पापड़ की सब्ज़ी भी कितनी टेस्टी होती है। और जब हमारे घर में कोई सब्जी नहीं होती है तो हम पापड़ से झटपट बना के सब्ज़ी रेडी कर सकते हैं। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, ऐसे नहीं कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ऐसे ही मैं सारे पापड़ सेक लेती हूँ, तो सेक के दिखाती हूँ आपको। सारे बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये देखिए सारे पापड़ को हमने सेक लिया है, अभी हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है हमें इसको, आसानी से ये हो जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे हमें इसको तोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूं। तो ये देखिए सभी पापड़ को हमने तोड़ लिया है, अभी हम इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। ये कढ़ाई लिया है, इसमें 1/2 बड़ा चम्मच ऑयल का डालेंगे, 1/6 चम्मच ये 2 चम्मच हैं ऑयल के और 1/2 चम्मच आधा है। और अभी ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, इसमें फ्रेंड्स लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ही होता है, तो ये मैंने 10-11 कलियों का इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें जितना आप लहसुन डालेंगे इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा मस्त बनेगी। तो लहसुन का हमने एकदम पेस्ट बना लिया है, इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। तो क्या क्या मसाला डालना है मैं आपको बताती हूँ, यही बेसिक मसाला डालना है। तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है 1.5 छोटा चम्मच, इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर लेंगे, नमक हमें इसमें थोड़ा ही लेना है क्योंकि पापड़ में भी नमक होता है, तो हमें इसमें 1/2 छोटे चम्मच से भी कम नमक लेना है। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पहले इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ मैं, और इसका एकदम पेस्ट जैसा इसका बना लेंगे अच्छे से मिक्स करके। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पे आप ये पापड़ की रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पापड़ की सब्ज़ी कैसी लगी। तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखा था। इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही झटपट ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। अचानक मेहमान भी आ जाए तो आप ये सब्ज़ी झटपट बना के रेडी कर सकते हो। और ये देखिए मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, ये थोड़ा पानी में डाल देती हूँ और इसको मसाले, इसमें यही एक रीज़न है कि मसाले को हमें अच्छे से पकाना है। मसाला हमारा अच्छे से पक गया तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो 2-3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, इसमें बस मसाले पकाने में ही टाइम लगता है और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो देखिए 1.5 मिनट में हमारा मसाला पक चुका है और अच्छे से इसमें ये ऑयल आ गया है ऊपर। तो अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल के इसको ढक के एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो एक उबाल आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से ढक देती हूँ पहले। तो ये देखिए एक उबाल अच्छे से इसमें पानी बॉयल हो गया है, ये देख पा रहे होंगे। अभी आपको ये जैसे पतला लग रहा होगा, जैसे हम इसमें पापड़ डालेंगे एकदम ये गाढ़ी ग्रेवी बन जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि पापड़ की भी कोई सब्ज़ी होती है क्या? एक बार इस तरीके से आप बना के देखिए, सच में आप इस सब्ज़ी के दीवाने हो जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, अभी हम इसको आधा मिनट के करीब ही इसको ढक के पकाएंगे। और ये देखिए आधा मिनट हो गया है, और ये देखिए अच्छे से ये बन गई है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही मस्त ये बन के रेडी हुई है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो मैंने गैस को यहाँ बंद कर दिया है, अभी ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो आप इसको चपाती पराठा किसी के साथ भी फ्रेंड्स खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और ये देखिए प्लेट में दिखा रही हूँ ग्रेवी, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मस्त ये पापड़ की ग्रेवी बनी है। तो एक बार फ्रेंड्स आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको, देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगती है। जितना ये देखने में अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, खाने में उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लेना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।